व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया। और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो सुचिता पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी, तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी।